के अंदर भैया आगे जो लग रहे हैं MK3 के कंपोनेंट हैं, रियर में MK2 का कंपोनेंट है, वाइब्रोमैक्स की डैम्पिंग हो रही है, ठीक है, और नीचे 5 चैनल M डल रहा है नाक नीचे, पूरा सेट हो चुका है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इधर से 3D करेंगे हम पूरा, और जितना भी ओवर व्यू है, जितना भी है, सारा आगे पीछे का सब चीज आ रही है। देखो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस आज भाई अपने पास भाई ग्रैंड विटार आ चुकी है, और इसके अंदर भाई बहुत ही अच्छा बेसिक सेटअप रहने वाला है, पूरा मजा आएगा। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं डिंपल भैया। तो डिंपल भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो भैया अभी ये देख सकते हो पूरी गाड़ी अपनी खुली हुई है, और देखो भाई पूरे गत्ते वगैरह पूरे सब बाहर है। मतलब आज इसमें जो बेसिकली पूरा काम जो हो रहा है वो ऑडियो से रिलेटेड सारा काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फ्रंट से ही, तो आप डोर पे देख सकते हो अपनी भाई वाइब्रोमैक्स की अपनी डैम्पिंग रहने वाली है। अगर पीछे वाला मैं दिखाऊं, यहाँ से दिखाता हूँ पहले, ये देखो वाइब्रोमैक्स की अपनी डैम्पिंग रहने वाली है, ये देख सकते हो, और चारों डोर है ना। तो भैया क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, डिटेल में बताओ थोड़ा। इसके अंदर भैया आगे जो लग रहे हैं MK3 के कंपोनेंट हैं, रियर में MK2 का कंपोनेंट है, वाइब्रोमैक्स की डैम्पिंग हो रही है, ठीक है, और नीचे 5 चैनल M डल रहा है नाक नीचे का। ये देखो मैं दिखाता चलता हूँ आपको, ये अपना भाई अपना कंपोनेंट का बॉक्स हो गया, ये देखो, ये देखिए, और ये हो गया अपना 5 चैनल नाकामिची का, ये चेक करो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो 5 चैनल रहने वाले, इसमें जो 5वां जो एम्पली वो होता है चैनल, वो होता है सबवूफर के लिए, तो इसमें रॉकफोर्ड का इसमें हाई लो कन्वर्टर भी डाल रहे हैं, ठीक है। रॉकफोर्ड का मतलब जो भी अपने पास हो रही है ब्रांडेड सारी चीजें लग रही है इसके अंदर, है ना। तो साथ में जो हमने एक इसमें क्या कहते हैं जमाइका लगा रहे हैं 900 360 के लिए, ठीक है, अपना एंड्रॉइड प्लेयर है ना, एंड्रॉइड प्लेयर लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी अभी दिखाएंगे। आप ये देख सकते हो ये पूरा काम इसके अंदर रहने वाला है। ऑडियो सेटअप आपका जो भी चाहिए सभी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएंगी, ब्रांडेड में चाहिए, मिड रेंज मिल जाएगी, मिड रेंज के अंदर 3 से 4 वैरायटी अपने पास रहती है, कीकर वगैरह ओरा और मैसिव हो गई। और भाई अभी स्टीरियो देख सकते हो, स्टीरियो में अपने पास भाई बहुत सारी रेंज रहती है, सस्ती भी रहती है, महंगी भी रहती है, सारी चीज़ रहती है ना। तो अपना बजट मतलब मिनिमम बजट भी है कितना होना चाहिए अपने सिस्टम के लिए? ऐसे सिस्टम के लिए कोई बजट नहीं है, सब आपके डिमांड पे काम होता है। अच्छा, तो अप्रोक्स अगर इसका बात करें तो इसमें कितना? 70 के अराउंड जा रहा है। बिल्कुल, तो भाई एम्पलीफायर लग रहा है, और अपनी जो वायरिंग है वो भी भाई मेन रहने वाली है, वो भी कौन सी वायरिंग डल रही है इसके अंदर? इसमें जो वायरिंग डली है वो डी बेस की डल रही है, ठीक है, जो स्पीकर वायरिंग यूज हो रही है वो ब्लॉपंग की यूज हो रही है। देखो ब्लॉपंग का देख सकते हो, ये खाली रखी नहीं हुई, ये सब यहाँ यूज होगी, ठीक है, ये चेक करो भाई। और उधर से अपनी भाई वायरिंग चेक करो, सब हो रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग जा रही है, सब टाई नॉट के साथ टाइट हो रहा है। ये देखो भाई पूरी तरीके से टाई बेल्ट के साथ पूरी कंप्लीट वायरिंग रहने वाली है इसकी। अभी देखते हैं अगर कस्टमर को लगा कि सबवूफर ऐड ऑन करना चाहिए तो वो भी ऐड ऑन हो सकता है इजीली, क्योंकि 5 चैनल लैंप ले लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। उसके लिए अलग से बेस कंट्रोल इसके अंदर आता है, ये रहने वाला अपना भाई रॉकफोर्ड का हाईलो कन्वर्टर 4 चैनल, ये 4 चैनल वाला रहने वाला, इसमें 2 चैनल भी आता है भैया, 2 चैनल भी आता है, 4 चैनल, ठीक है। तो भाई ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू, ऐसा नहीं है कि भाई लिक कुछ दिया दे कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास, जो भी है भाई जेन्युइन चीजें रहती है सारी, और आप बिल के साथ आता है, बिल्कुल विद बिल के साथ रहती है सारी चीजें, मतलब जो भी आप चीजें लोगे सभी का आपको बिल मिलेगा, वारंटी वगैरह के साथ, वारंटी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दिखा देता हूँ, बहुत से बंदे पूछते कैसा रहता है हाईलो कन्वर्टर, तो भाई देखो इस तरीके का ये आता है ना, तो ये चेक कर सकते हो। जब ब्रांडेड चीजें लग रही हो ना कार में तो सारी चीजें ब्रांडेड होनी चाहिए, जब भी मजा, ये नहीं कि वो JBL का वो जो आता है छोटा सा वो लगा दिया हाईलो कन्वर्टर, उसमें मजा नहीं है ना। तो देख रहे हो भाई, तो सारी चीज़ें ब्रांडेड हो रही है, और सब चीज़ में अभी आपका आउटपुट भी हम चेक करेंगे इसका, कार का आपका अगर कोई भी चीज़ें चाहिए इस कार की तो सब चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। एम्बिएंट वगैरह करवाना चाहते हो वो मिल जाएगी, और भाई और हाई एंड सेटअप लगवाना चाहते हो 2 वूफर 3 वूफर तो वो भी अपने पास सब रहता है ना, जिस हिसाब का आपको चाहिए। तो अभी लगभग कितनी देर और लगने वाली भी है इसके अंदर? 1 घंटा और लगेगा। प्राइस अभी आ चुके हैं भाई इसके 360 की सेटिंग के लिए, तो अभी उसकी सेटिंग वगैरह करेंगे इधर प्रॉपर, और फिर आपको दिखाएंगे उसकी भाई कैसे अलाइनमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ये चार्ट वगैरह होता है इनका, तो ये चार्ट वगैरह बिछेगा, और ये सारी जब 360 लगाते हो ये सारा प्रोसेस जब भी होता है ना, जो अभी ये होने वाला है अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अभी देखो भाई पूरी अलाइनमेंट वगैरह इसकी हो रही है, देखो आप देख सकते हो उधर से भैया इसको कर रहे हैं, और ये पूरा इसमें सारा चल रहा है, जो भी इसके चारों पांचों कैमरे हैं, टोटल 4 कैमरे हैं दोनों साइड मिरर में और आगे और पीछे, तो भी इसकी पूरी अलाइनमेंट वगैरह चल रही है। देखो भैया उधर से कर रहे हैं, ये देखो भाई इस तरीके से भैया ने अपने हिसाब से वो सेट कर लिया, फ्रंट एंड बैक और राइट एंड लेफ्ट, ये देखो भाई इस तरीके, देखो ये मेरे पैर आ रहे हैं इधर, ये दिख रहे होंगे, ठीक है, और ऐसी उस तरफ रहने वाला है, और ऐसी भाई एक जो कैमरा है वो लगा है तुम्हारा ये रहा, एक और दो और तीन, ठीक है, और एक 4, ये रहा भाई, ठीक है,
तो अभी इसको पूरा सेट होने देते हैं, फिर इसका ओवरव्यू आपको चेक कराते हैं कि कैसा कुछ इसका रिजल्ट आ रहा है, क्लियरिटी वगैरह क्या रहने वाली है। गाइस ये देखो भाई पूरा सेट हो चुका है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जैसे 3D करेंगे हम पूरा, और जितना भी ओवरव्यू है, जितना भी है सारा आगे पीछे का सब चीज आ रही है देखो भाई। और क्लियरिटी भाई ये चेक करो, क्लियरिटी क्या ही नंबर वन आ रही है। एक बार मैं गेट बंद कर लेता हूँ, रुको। अब बिल्कुल ठीक दिखे, इसको दोबारा चलाता हूँ। ये देखो भाई पूरी बराबर आ रही है, मस्त कलर वगैरह देखो, कलर कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ब्राइट आ रहे हैं और डार्क कलर्स बढ़िया। फ्रंट दिखाऊं, ये आ गया आपका फ्रंट, ठीक है। और ये देखो भाई, ठीक है, ये आ गया रियर। ये देखो ये वाली साइड आ गई और राइट ये आ गई, और दोनों राइट लेफ्ट आ गया, ये पीछे क्या आ गया ओनली। तो ऐसे भाई ये पूरा सा रहने वाला है। तो भाई बहुत अच्छा इसका आउटपुट आ रहा है, कलर देख सकते हो क्या ही ब्राइट कलर आ रहे हैं, बढ़िया मस्त। अब इसको लेके चलते हैं और इसमें जो बचा हुआ काम है वो करते हैं, और फिर आपको इसका एंड में टोटल ओवरव्यू सारा दिखाते हैं। तो गाइस पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है, वूफर वगैरह सब चीज इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अपना भाई आपको आउटपुट वगैरह हम सुनाने वाले हैं किस तरह क्या आने वाला है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। भाई ये कुछ आउटपुट वगैरह रहने वाला है, आपने वोकल्स वगैरह सुन ली होगी, बेस वगैरह सुन लिया होगा, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। पूरा टोटल ओवरऑल सारा काम हो चुका है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है भैया। तो भैया कैसे हो? अच्छे भैया। तो भैया कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो भैया पूरी कार कम्प्लीट हो चुकी है, तो भैया आउटपुट वगैरह और सब चीज कैसी लगी आपको? Fantastic. मजा आ गया बिल्कुल। और जो भाई इसका 360 है ना भाई, वो तो यार एक नंबर है। जैसे मैंने तुम्हें पीछे दिखा भी दिया था, मतलब भैया ने ना भाई दिल खोल के पैसा खर्च करा, सारी चीज ब्रांडेड लगवाई है ना सब चीज। ये ब्लॉक पंक का हो गया, ठीक है, मोरेल के कंपोनेंट्स वगैरह हो गए अपने भाई, और पायनियर का वूफर हो गया। तो भाई सारी चीजें ए टू जेड बढ़िया लगी, ना कम नीचे का, 5 चैनल लैंप भी लगा है। तो ये भाई सारी चीजें अगर किसी को कुछ भी कराना है तो भाई आ सकते हो आप भाई बालाजी कार एक्सेसरीज और शिवा कार एक्सेसरीज करोल बाग के अंदर। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है। तो ये आज की टोटल ओवर वीडियो, यहाँ तक वीडियो देने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।